जिला विकास आयुक्त पुंछ राहुल यादव ने गुरुवार को जिले में कोविड 19 टीकाकरण में प्राप्त प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। पुंछ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो कोविड 19 की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग की गई और इसमें हमारे जो कोविड 19 वैक्सीनेशन है उसके इश्यूज डिस्कस किए गए, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं उनके साथ साथ हमारे जो पैरामिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी बुलाया गया, क्योंकि हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन इस समय चल रहा है, जिसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे रेवेन्यू के वर्कर, हमारे पुलिस के मुलाजिम, इसी तरीके से हमारे RDD के जो हमारे PRIs हैं उनको, और हमारे हेल्थ वर्कर्स और उसी के साथ साथ हमारे पैरामिलिट्री, उनका भी हम इम्यूनाइजेशन कोविड 19 को लेकर कर रहे हैं। तो उसमें जो कुछ लॉजिस्टिक इशू थे हमारे पैरामिलिट्रीज के, वो भी डिस्कस किए गए। उसके साथ साथ सभी डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। उसके साथ साथ लोगों में भी गलत मैसेज अगर कहीं पर जाता है तो उसको जल्द से जल्द उसको भी दूर करें, कि कहीं पर भी कोई भी मिसकंसेप्शन या रूमर हमारे कोविड 19 वैक्सीनेशन को लेकर नहीं फैलना चाहिए। मैंने भी अपना कोविड 19 वैक्सीनेशन कराया है और मेरी सभी हमारे जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, और 6 मार्च के बाद ये हमारा कोविड 19 वैक्सीनेशन है ये जनरल पब्लिक के लिए भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि 50+ जो हमारे लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उसके बेसिस पे वो भी हमारा 6 मार्च के बाद स्टार्ट किया जाएगा। मेरी सभी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो 6 मार्च से पहले अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं, ताकि उसके बाद हम जो हमारे जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है।